हेलो रिपीटर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट पेपर। आई थिंक द दिस इज द टेस्ट नंबर 12 ना, ये टेस्ट नंबर 12 होना चाहिए। एक मिनट मैं जरा नंबर देख लेता हूँ। टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 12 या वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट नंबर 12 या टेस्ट नंबर 12। ठीक है, आपके डाउट्स हैं 9, 11, 15, 18, 23, 32, 34, 39। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 डाउट है टोटल डाउट्स। आठ क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपके डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं 9 से, ठीक है ना। तो 9 कह रहा है कि इन द फिगर शोन द पावर जनरेटेड इन वाई इज मैक्सिमम व्हेन वाई इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, यही कह रहा है ना। मतलब वाई के थ्रू जो पावर है मैक्सिमम है, तो एक काम करो, पहले वाई के थ्रू पावर देख लो। पावर होता क्या है? पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो कितना है वी जी? 10 है, तो 1000 बाई आर कितना होगा? आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इन द फिगर शोन इन द पावर जनरेटेड इन वाई, ठीक है, वी स्क्वायर, एक मिनट, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, हाँ वी स्क्वायर बाई आर सही है। तो आर इक्विवेलेंट है कितना, टोटल सर्किट का नहीं लेना है, सो वाई के थ्रू। एक काम करो, पहले करंट निकाल लो, और करंट निकाल के आई स्क्वायर आर लिखो। आई स्क्वायर आर होता है पावर, तो ठीक है, पावर थ्रू वाई, वाई रेजिस्टेंस बराबर पी बराबर आई स्क्वायर। आई कितना है? 10 बाई वाई प्लस आर प्लस 2, ठीक है ना, ये आई स्क्वायर इंटू वाई है, ठीक है ना। तो यहां से आपका पावर कितना हो गया बच्चों? पावर हो गया 100 बाई वाई प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। सो फॉर पी मैक्सिमम, फॉर पी मैक्सिमम डीपी बाई डीवाई बराबर 0, डीपी बाई डीवाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन में क्या, डीपी बाई डीवाई का डिफरेंशिएशन बराबर 0 होगा, तो कितना होगा डीपी बाई डीवाई? डीपी बाई डीवाई बराबर इवन टू वी पर करना पड़ेगा, तो वी इंटू वाई प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 100, ठीक है ना, 100, ठीक है, माइनस, अब की बार में यू रखना पड़ेगा, 100 वाई इंटू ये 2 इंटू वाई प्लस आर प्लस 2, ठीक हो, और इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 0।
डी वाई वाई वाई, तो ये वाई का तो वाई वन हो जाएगा ना, वो डी वाई 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 वन हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया बच्चों, ये तो कट जाएगा, हो जाएगा वाई प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू हंड्रेड बराबर टू हंड्रेड वाई इंटू वाई प्लस आर प्लस टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा डिफ्रेंसिएशन गलती ना हो, ये दो जीरो कट गया और ये भी कट गया, ठीक है ना। तो आपका आ गया वाई प्लस आर प्लस टू, वाई प्लस आर प्लस टू, ठीक है ना, बराबर टू वाई बराबर टू वाई। तो y बराबर r प्लस टू आया, y बराबर r प्लस टू आया, तो मैक्सिमम के लिए y का वैल्यू कितना कह रहा है जी, मैक्सिमम के लिए y का वैल्यू कह रहा है 5 ओम। सो चूंकि पुट 5, नाउ 5 बराबर r प्लस टू, सो r बराबर 3 ओम आंसर, ठीक है ना, r बराबर 3 ओम आंसर। तो थ्री ओम आंसर के लिए कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 का डी, सही है ना बच्चों, क्लियर है, ठीक है, राइट। इलेवन कह रहा है कि ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 625 इन थर्ड आर्म्स वेयर पी क्यू एंड एस आर इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर्म, ई पी एंड क्यू आर इंटरचेंज, द रेजिस्टेंस इन द थर्ड आर्म हैज टू बी इंक्रीज बाई 5 ओम टू सिक्वायर बैलेंस। ये 5 ओम इंक्रीज नहीं होगा, ये 5 ओम इंक्रीज नहीं होगा, ये सवाल थोड़ा सा गलत है, ये इंक्रीज होगा 51 इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड बाय, ये रॉन्ग है, क्वेश्चन इज रॉन्ग टाइप एज पर आंसर, ठीक है ना। यहां इंक्रीज्ड बाई होना चाहिए, इंक्रीज्ड बाई 51, तो 1 छूट गया है, 5 वन नहीं, 1 छूट गया है, ठीक है ना, तो 1 छूट गया है। तब यहां से लिखेंगे अब कि P बाई क्यू बराबर S बाई 625, इक्वेशन 1। एंड नाउ जब इंटरचेंज कर दिए तो क्यू बाई पी बराबर एस बाई, ये 51 बढ़ गया, मतलब 51 बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 676 हो जाएगा, 51 676 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 2 कर दीजिए, तो 1 × 2 करिएगा तो क्या आएगा, 1 बराबर एस बाई 625 गुने एस बाई 676, सो एस स्क्वायर बराबर 625 गुने 676, सो एस बराबर ये तो 25 हो जाएगा, ये तो 25 हो जाएगा, और ये 676 कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा शायद, 26 होता है, 3 676, मतलब ये 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, तो 25 और 26 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 और 26 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 × 5 = 30 की जीरो हाथ में लगा ले, 13 उसके हाथ में 5, तो ये आ गया 0 3 6 630 आ गया, सो 630 विल बी
आंसर नहीं, तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 630 आंसर होना चाहिए, बट एक मिनट, 26 है ना, 26 25 24 एक मिनट, 6 5 30 की 0 हाथ में लगती, 6 3 12 3 15 0 0 5 की 6 50 हो जाएगा, तो 6 50 का मतलब बी ऑप्शन, बी करेक्ट, ठीक है ना। सो इसका बी आंसर होगा, बट 11 नंबर का डेटा जो है वो मिसप्रिंट है, इसका मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मिसप्रिंट, ठीक है ना। सुनाओ नेक्स्ट 15 नंबर, हो जाएगा कि इफ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ हीटर इज रिड्यूस्ड बाई 10% द पावर ऑफ हीटर विल बी, पावर ऑफ हीटर होता क्या है, पावर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, मतलब वी स्क्वायर बाई रो एल, यही होता है ना, तो ये P हो गया, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन P डैश बराबर वी स्क्वायर ए बाई रो, कितना रिड्यूस हो गया जी 10% एल माइनस एल बाई 10, तो कितना हो गया वी स्क्वायर ए बाई 9 रो एल इंटू 10, यही हुआ ना, तो ये तो हो गया P ना, तो 10/9P ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहां से परसेंटेज चेंज इन पावर पूछ रहा है ना, पावर द पावर ऑफ द हीटर विल बी, तो देख लेते हैं परसेंटेज चेंज इन पावर बराबर डेल्टा P/P गुने 100, ठीक है ना, तो डेल्टा P/P इंटू 100, तो कितना हो गया डेल्टा P/P इंटू 100, कितना हो जाएगा डेल्टा P हो जाएगा 10/9 इंटू P-P/P गुने 100, ये P तो कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/9 गुने 100 हो जाएगा, 9P तो 10P मैंने 9P हो जाएगा, P कट जाएगा तो 100, तो ये क्या हो जाएगा ना, मतलब 9 एकम 9 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका, 11% आ जाएगा नियरली, मतलब ये आ जाएगा बी, 15 का बी आंसर आ जाएगा, देखिए तो सही है, ठीक है ना। टीम जो होगा ये टीम कह रहा है कि द वोल्टेज ऑफ क्लाउड इज इतना वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इन लाइटिंग ए स्ट्रिक्ट लिसनिंग टू 100 मीटर पर सेकेंड, वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 4×10^6 volt, ठीक है ना, एंड टी इक्वल टू 100 मिली सेकेंड, ठीक है, एंड 4 कूलम चार्ज, क्यू जो मूव किया वो 4 कूलम, तो कह रहा है कि पावर बताइए, तो चूंकि वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू भी, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा क्यू इन टू वी बाई टी,
पुट कर लीजिए सारा वैल्यू, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। सारा वैल्यू पुट कर लीजिए, क्यों कितना है 4 है, भी कितना है 4×10^6 है, ठीक है ना। एंड टी कितना है 100 है, 10^-3 है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 16×, ये एगो जाके बढ़ेगा 10^7 हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन चेक करते हैं इसका, 18 का, 3 का आ जाएगा 160 मेगावाट, सही है 160 मेगावाट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 18 का ए, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है, राइट। तेईस का देखा जाए, तेईस का है तो इसका कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ द रेजिस्टेंस 5 ओम डेवलप ए हीट 40 J/s, देन ए हीट डेवलप इन टू मस्ट बी अबाउट। ये इस तरह से सर्किट है, ये 9 ओम है, ये 6 ओम है और ये 5 ओम है। तो रेजिस्टेंस के रेशियो में जाता है वो, तो एक तरह से 15/5 हो जाएगा, तो 3 ओम बाई ये हो जाए, ठीक है, I2I/2, ठीक है। मान लिया यहां से जा रहा है I करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के रेशियो में कट जाएगा, ऊपर 15 है नीचे 5 है, मतलब कि इधर का जो करंट होगा वो V=I/R होता है। आई बाई आर का मतलब समझ रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस 3 गुना ज्यादा है, तो जब 3 गुना ज्यादा है तो उसकी करंट इससे 3 गुना कम होगी, चूंकि I बराबर होता है V=IR होता है, तो V/R होता है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है इसके 3 गुना है, तो 3 गुना है तो करंट जो है वो 3 times उसमें कम हो जाएगा, मतलब एक तरह से यहां पर करंट ले हम 2I/3, तो यहां पर करंट आ जाएगा I/1, इसमें करंट हो जाएगा I/3, तो यहां पर करंट हो जाएगा 2I/3, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, I/3 हो जाएगा, मतलब ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 3I/3, सही है। करंट उसमें किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, वहाँ करंट जो है इसका 2 times ज़्यादा होगा क्योंकि दुगुना नहीं 3 गुना है ना, 3 गुना है, ये रेजिस्टेंस 3 times है इनका, तो रेजिस्टेंस यदि 3 times होगा, यदि ये 3 times हो जाएगा तो करंट 1/3 times हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, इधर मान लिया करंट रखा जाए I0 और इधर करंट रखा जाए I-I0, ठीक है ना। तो यहां पर तो आप कहेंगे ना कि यहां रेजिस्टेंस जो है वो इसका 3 गुना है, तो 3 गुना है तो करंट जो है वो, ये जब 3 times हो जाएगा, ये जब थ्री
टाइम्स, तो वो इसका थ्री टाइम्स हो जाएगा, वो इसका थ्री टाइम्स हो जाएगा, मतलब I नॉट बराबर I माइनस I नॉट बाई थ्री, ठीक है ना, क्लियर है, अब सही हुआ। तो थ्री I नॉट बराबर I माइनस I नॉट, सो फोर I नॉट बराबर I, सो I नॉट बराबर I बाई फोर, I नॉट बराबर I बाई फोर आएगा, मतलब I नॉट बराबर ये हो जाएगा I बाई फोर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I थ्री I बाई फोर। अब सही है, अब सही है, ठीक है ना, अब सही है, अब क्लियर है, ये करंट हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप देख लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन द सर्किट इफ द रेजिस्टेंस 5 ओम डेवलप इट 40 जूल, 5 ओम डेवलप इट 40 जूल, ठीक है। तो एक काम करो, 5 ओम डेवलप 40 जूल, तो आई स्क्वायर आर होता है, तो 9 आई स्क्वायर बाई 16, 9 आई स्क्वायर बाई 16 इंटू 5 बराबर कितना जी, 42 जूल, 42, तो कितना हो गया बोलो, तो हो गया आई स्क्वायर बराबर 42 गुने 16 बाई 9 गुने 5, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो चूंकि पावर थ्रू 2 ओम हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू 2, तो आई स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 42 गुने 16 बाई 45 गुने 2, ठीक है, आई स्क्वायर आर, फाइव ओम के थ्रू कह रहा है ना, ठीक है, आई स्क्वायर मन 9 आई स्क्वायर बाई 16 इंटू 5 बराबर 42, आई स्क्वायर इक्वल टू 42, 16 बटा 45 गुने 2, ठीक है, ये पावर 2, तो कितना हो जाएगा, ये इसको देखना पड़ेगा कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 23 का इसका आंसर तो नहीं आ रहा है, इसका 23 का आंसर क्या होगा देखना पड़ेगा, इसका आंसर एक सही लिखे है ना, वहां रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां करंट कम होगा, सही बात है, 15 आई बाई फोर, आई भी 15 आई बाई फोर, सही है, एकदम सही है, करेक्ट है सवाल। तो 5 ओम के थ्रू जो होगा वो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो 9 आई स्क्वायर 16 गुने आर 5, ठीक है, ठीक है, बराबर 42, तो 42 गुने 16 बाई 45 और इंटू ये आई स्क्वायर की वैल्यू आई और इसके 2 के, तो 2 तो ठीक तो है, तो देखें 42 गुने 16 गुने 2, 42 गुने 16 गुने 2 बराबर डिवाइडेड बाई 45, 29.8 आना चाहिए, मतलब 30 के करीब में आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 30 आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट इसमें 30 है, सी आंसर है, 23 के सी सही है,
29 समथिंग आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेट 30 आएगा, 30 वाट। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, सही है, क्लियर है। नाउ 32, समझ गए बच्चों, क्लियर। चलिए ठीक है बच्चों, 32 क्वेश्चन इसमें तो नहीं है टाइप, तो एक्चुअली प्रिंट में नहीं आ पाया है। तो जब प्रिंट में नहीं आ पाया है तो मैं आपको देखता हूँ, शायद मोबाइल में हो, तो फिर मैं वहाँ से करता हूँ आपके लिए। थर्टी टू क्वेश्चन, सही है। 32 क्वेश्चन में मीटर ब्रिज कह रहा है कि मीटर ब्रिज सेट इन टू एज सोन इन द डिटरमिनेशन इन द नॉन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम। तो ठीक है ना, ये मान लीजिए कि एरर एंड यदि लिखिएगा तो एक्स बाई 10 बराबर L1 बाई L2 होता है, L1 बाई L2 होता है, यही होता है ना। सो एक्स बाई 10 बराबर L1 कितना हो जाएगा, एंड करेक्शन, गैल्वेनोमीटर सो नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की 52 द एंड करेक्शन 1 cm, मतलब 52 प्लस 1 हो जाएगा इसका, 52 प्लस 1 एंड करेक्शन, दिस इज द एंड करेक्शन, एंड करेक्शन, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 52 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहां से निकालते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 53 गुने 10 बटा ये कितना हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा, तो ये 5, तो ये कट गया, 5 दहिया 50, अब 5 36 10.6 ओम हो जाएगा बच्चों, 10.6 ओम हो जाएगा। सो आंसर इज बी, ठीक है ना। ये 32 नंबर का सवाल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। 34 क्या है भाई, 34 में ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिया नहीं गया है, तो इसमें सारे 1 ओम है, इच 1 ओम है, तो अभी कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, अभी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जब जोड़ दिया गया तब, मतलब इसको जोड़ दिया गया तो, मतलब जोड़ कैसे दिया गया, नाउ 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 इसको ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया और ऐसे जोड़ दिया गया। तो ये तो बच्चों, ये पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हीट स्टोन, ये तो हीट स्टोन हो जाएगा, हीट स्टोन हो जाएगा। तो जब हीट स्टोन हो जाएगा तो हीट स्टोन जो जब हीट स्टोन हो जाएगा, हाँ
छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला गड़बड़ था, नीचे वाला खाली गड़बड़ था, कोई दिक्कत। तो बच्चों ये देखिए, ये आपका हीट स्टोन जब हो जाएगा तो हीट स्टोन में ये साइड और ये साइड का सेम रेजिस्टेंस है, इसका इसका रेशियो सेम है, तो ये वायर बेकार हो जाएगा। ये आपको ओमिट कर दीजिए, ये निकाल लीजिए, रिमूव कर लीजिए, रिमूव्ड, ठीक है ना। तो जब ये रिमूव्ड हो गया तो कितना रेजिस्टेंस होगा देखिए, तो जब ये रिमूव्ड हो गया मतलब कि ये हो गया वन और वन टू और ये वन वन टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू मतलब वन हो जाएगा, तो ये थ्री हो जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू थ्री ओम, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, फाइव बाई थ्री हो जाएगा, फाइव बाई थ्री मतलब फाइव बाई थ्री मतलब फाइव बाई थ्री हो जाएगा, फाइव बाई थ्री ऑप्शन सी होना चाहिए, चौंतीस का ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। रेशियो बराबर, ओके। नाउ स्टूडेंट 39 प्रॉब्लम आपका है, 39 प्रॉब्लम में कह रहा है कि एंड ऑफ टू वायर ए एंड बी हैविंग रेजिस्टिविटी रो ए और रो बी दिया हुआ है, ठीक है ना, और सेम क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एरिया आर ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल वायर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ज्वाइंट वायर डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ गिवेन दैट टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, अल्फा ए अल्फा बी दिया हुआ है, देखिए रो ए दिया हुआ है, रो बी दिया हुआ है, अल्फा ए दिया हुआ है, अल्फा बी दिया हुआ है, ये चारों वैल्यू दिए हुए हैं। रो ए कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और रो बी कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, अल्फा ए कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और अल्फा बी कितना है, माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ऐसे दिया हुआ है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर के साथ जो इसका कनेक्शन है वो कनेक्शन इस तरह से है, रो ए एल ए वन प्लस अल्फा ए डेल्टा टी प्लस रो बी एल बी ए बी, ये एक्चुअली आर ए है और ये आर बी है, तो आर ए इंटू वन प्लस अल्फा ए डेल्टा टी और आर बी इंटू वन प्लस डेल्टा ए, और ये दोनों आर ए और आर ए प्लस आर बी के बराबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कुछ भी बदल लीजिए टेम्परेचर ही का ही रहेगा। तो यहाँ से जो फाइनल हमारा ये जो टर्म है, ये तो टर्म सब कट जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा रो ए एल ए बाई ए ए इंटू अल्फा ए डेल्टा टी बराबर माइनस ऑफ रो बी एल बी ए बी इंटू अल्फा बी डेल्टा टी, यही ना बच्चों। तो चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहां से आपका एल ए बाई एल बी क्या आएगा, एल ए बाई एल बी बराबर एल ए बाई एल बी रो बी अल्फा बी, रो बी अल्फा बी बाई बाई माइनस रो बी अल्फा बी बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो ए अल्फा ए, रो ए अल्फा ए। अब ये सारा वैल्यू पुट करके आप देख लीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर, कितना वैल्यू पुट करेंगे, हाँ तो देखिए क्या है, रो बी अल्फा, ये रो बी और रो ए का हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6/4 हो जाएगा, 6/4 और गुने, और अल्फा बी अल्फा ए का देखा जाए, अल्फा बी एंड अल्फा ए का देखा जाए, सॉरी एक मिनट, रो ए और रो बी का देखा जाए, रो बी और रो ए का देखा जाए तो रो बी और रो ए मतलब ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 ठीक है ना, और इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अल्फा बी बाई अल्फा ए, तो ये 6/4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, तो मतलब एक तरह से 3:1 आपका आंसर होना चाहिए 39 का,
3:1 39 का आंसर होना चाहिए. सो 3:1 तो नहीं है, इसमें 39 का आंसर सी दिया हुआ है. सी का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया 3/10. 3/10 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना. सो इसका मतलब कि दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. अगर आई एम सर्चिंग हियर द रोएल बाई ए, सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है. सो एल ए बाई ए बी एल बी इक्वल टू रो बी अल्फा बी प्लस रो ए अल्फा ए, सही है. रो बी और रो ए का रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो 3:2 हो जाएगा, 2, सही है, बिल्कुल सही है. एंड अल्फा बी अल्फा ए का क्या हो जाएगा, 6 और 4, 6/4 के रेशियो में चला जाएगा. नहीं, 6/4 नहीं, यहाँ एक और ज़्यादा है, तो 6/4 नहीं, 6×10^-1 हो जाएगा यहाँ, 10^-1 हो जाएगा, ठीक है ना. तो 3/10 हो जाएगा, 3/10, तो 3/10 इसमें है क्या, 3/10, हाँ 3/10 है, ठीक है, सी, ओके. नाउ आंसर इज सी, करेक्ट. एक प्रॉब्लम लास्ट बच गया है 34, उसको भी देख लीजिए आप. थर्टी फोर प्रॉब्लम इस तरह से है कि आपका, हाँ, थर्टी फोर प्रॉब्लम इस तरह से है कि यूनिफॉर्म वायर है इस तरह का, 1, 2, 3, 4, 5, ये सबका 1 ओम है, ठीक है ना. ये 34 नंबर का क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं. तो अभी रेजिस्टेंस कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 होगा, आर बराबर 5 ओम होगा, ठीक है ना. अब कह रहा है कि इसको यदि हम कनेक्ट कर दें, नाउ द फिगर इज चेंज लाइक दिस, इस तरह से फिगर चेंज हो गया एक, ठीक है ना. इस तरह से इसमें कह रहा है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया और एक यहां पर लगा दिया. तो ये जो सिस्टम हुआ आपका, ये तो सिस्टम व्हीट स्टोन हो गया, व्हीट स्टोन बैलेंस हो गया, क्योंकि इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो बराबर होगा. तो बराबर होगा तो ये वायर जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा, रिमूव्ड, ये वायर रिमूव्ड हो गया. तो रिमूव्ड हो गया तो ये 1 और 1 2 हो गया, ये 1 1 2 हो गया. तो इस पूरे का हो गया रेजिस्टेंस 1/2 + 1/2 / R बराबर, सो R बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा यहां से, ठीक है. अब सवाल है कि 1 हो गया, ये 1 ये, तो टोटल रेजिस्टेंस 3 हो गया, सो R नेट इक्वल टू 3 ओम. तो रेशियो क्या हो जाएगा, सो रेशियो इज 5:3 आंसर, ठीक है. अब इसका देख लेते हैं, 5:3 मतलब सी पार्ट होगा, सी विल बी द आंसर आउट, ओके, सी, करेक्ट, ठीक, थैंक यू. उसको बंद कर दें.